इस जीत के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ हिमाचल प्रदेश के संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने फिर एक बार जीत का सेहरा बांधा और पांचवीं बार लगातार जिताने के लिए जनता का बहुत बड़ा आभार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी अंथक मेहनत दिन रात एक करके उन्होंने भाजपा को जीत दिलाई, मुझे आशीर्वाद दिलाया। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया पांचवीं बार चुनाव लड़ने के लिए। और इस जीत को मैं चारों की चारों सीटें जो हिमाचल प्रदेश की जीती हैं, हिमाचल ने एक तरफा चुनाव मोदी जी के पक्ष में लाकर खड़ा किया। दूसरी बार मोदी जी की सरकार में सरकार बनेगी, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, वहीं हिमाचल जीत का चौका लगाया है, वो भी तीसरी बार लगातार लगाया है। लगातार आपने विकास के मुद्दे पर अच्छा लगा है, कई योजनाएं नई नई आने की है, इस बार हमीरपुर की जनता जो भी जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ नया उसमें आता है और हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ नया लाते हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल पाए, सुविधाएं मिल पाए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। मैं अपने प्रभारी भाई ठाकुर जी का, सरपंच सुमित जी का और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने लगातार इस चुनाव में अपना मार्गदर्शन भी दिया, सहयोग भी दिया है। मुझे लगता है उसके आंकड़े देखने पड़ेंगे, क्या कमियां हमें रही, उस पर चिंतन भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा की चुनावों में जनता ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, जिताया। जहां विधानसभा के उपचुनाव में कुछ कमियां रही उसको पार्टी गहराई में देखेगी और उसके बाद बात।